हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? तो आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा महिंद्रा के साथ हमारा कैसा कुछ एक्सपीरियंस था। तो भाई, उन्होंने हमारी 20-25 हज़ार रुपये की सर्विस बैठा दी थी। तो हमने सोचा इतनी महंगी कराने से क्या फ़ायदा, अब चलते हैं मुस्कान मोटर्स। हमने अपनी वैगनार की कराई थी, आपको याद है, आपने व्लॉग में देखा होगा। नहीं देखा हो तो आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना। तो उनसे बात करी, भैया ने बोला कि 5.5 हज़ार सर्विस हो जाएगी, बाकी आपके जो भी थोड़े बहुत काम होंगे उसके पैसे, मतलब हमारे ब्रेक शू डल रहे हैं और एक दो कमी है, वो जैसे आपको पिछली वीडियो में देख ली, जैसे एक हैंड ब्रेक की कमी है इसकी, और एक इसकी शीशे की हिलते हैं, ये थोड़ी राइट पुलिंग है, दो चार इसमें काम है, ये सब कराने हैं। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ, हो जाएगा। तो दो तीन 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 घंटे उन्होंने बोला था, 3 घंटे में आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो वहीं चलते हैं गुरुग्राम। तो एक तो फिलहाल भीड़ इतनी है यहाँ पर यार पहुँचने में, अभी कितना टाइम दिखा रहा है, अभी दिखा रहा है 33 किलोमीटर 55 मिनट। चलो हाँ, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। फिर वही है कि क्या टाइम हो रहा है फिलहाल, अभी 11:22 हो रहे हैं। हाँ, तो वही 12 तक मैक्स पहुँच जाएंगे, 3:30 तक हमारी गाड़ी मिल जाएगी, फिर वापस बहुत आराम से आ जाएंगे हम। तो चलो चलते हैं, जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे आगे। एक तो भाई यहाँ भीड़ इतनी है, जब से 2 बार रेड लाइट हो चुकी है, अब तक भी पता नहीं कितनी आगे होगी। इस टाइम निकल जाओ दिल्ली में आप ऑफिस टाइमिंग पे, भाई कभी टाइम से नहीं पहुँच सकते, आपको कहीं भी जाना हो ना, कितनी भीड़ है आगे तक, पूरा जाम है। 2 बार ग्रीन लाइट हो चुकी है, फिर इतना आगे चलते हैं लोग, फिर इतने रेड लाइट हो जाती है। हम तो ये मतलब पिछले 5-7 मिनट से यहीं खड़े हैं। चलो चलते हैं, जितने टाइम भी पहुंचेंगे देखते हैं। भाई तुम सुबह के टाइम निकल जाओ, मजा ले, तुम 2 घंटे से पहले कहीं पहुंच जाओ, जाम देख लो कितना आगे तक, पूरा जाम है भाई, पता नहीं कब तक ही पहुँचेंगे। अभी तो फिर भी चलता हुआ ट्रैफिक के पीछे से, इतना जाम था वीडियो बनाने तक का टाइम नहीं मिला। अब चल रहे हैं, एक तो ऊपर से CCTV कैमरे, तेज नहीं चला सकते, देखो कैमरे आते हैं और सबकी स्पीड धीरे हो जाती है, यहाँ पे सबकी 60 से नीचे आ जाती है, कहीं चलान ना कट जाए, जबकि आधे कैमरे चल भी नहीं रही होते इनके। देखो यहाँ तो सब आराम से निकालेंगे, फिर खींचना शुरू कर देंगे गाड़ी। ये देख लो HP नंबर, फॉर्चुनर। हम बहुत लोग सोचते होंगे HP नंबर क्यों है, HP से भाई टैक्स बचता है, अगर आपको नहीं पता हो तो। अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, HP अच्छा नहीं लगता है, जैसे HP नंबर बहुत लोगों को पता है HP नंबर टैक्स बचाने के लिए, फिर लोग उससे यही कहेंगे ना, छोटा चाहिए था, यही तो बात है। देखो जैसे HP नंबर फॉर्चून जा रही है, भाई बहुत लोग सोचते हैं कि HP नंबर क्यों है ये। मैंने आपने बहुत देखी भी होगी दिल्ली में, गुड़गुराव में लग्जरी कार जितनी भी होती हैं आधे से ज़्यादा HP नंबर मिलती है उनका, बस मेन रीज़न नहीं होता है क्योंकि 4-5 लाख रुपए टैक्स बच जाता है, जो रोड टैक्स होता है ना, ये आराम चल रहे भाई, रोड टैक्स बच जाता है इनका। यही बता रहा था आपको मैं कि हम भी सोच रहे हैं एक और गाड़ी लेने की, तो उस पर HP नंबर नहीं लेंगे, फॉर्चुनर की सोच रहे थे। चलो चलते हैं आगे, फिलहाल तो भीड़ इतनी है, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, अब भी 19 मिनट दिखा रहा है, चले जा रहे हैं जब से 2 घंटे हो गए चलते चलते। चलो बताते हैं जैसा भी होगा सर्विस का एक्सपीरियंस। बाकी एक टाटा हैरियर और मंगाई आज टेस्ट ड्राइव के लिए, उसका एक्सपीरियंस भी बताएंगे आपको कैसा रहता है, अगर वो वीडियो बनाना अलाउ कर देते हैं। फिलहाल तो पहुँच चुके हैं हम एम्बियंस मॉल, खाएगा कुछ नहीं, चलो तो चलते हैं, चल ही रहे हैं, वीडियो में बने रहे भाई ऐसे ही। तो लो भाई पहुंच चुके हैं फाइनली गुड़गांव, इतने देर बाद, मतलब वही 10:30-11 बजे चले थे, ज़्यादा टाइम भी नहीं, मतलब वही 1 घंटा 13 मिनट में आ गए हम, फिलहाल 12:13 हो रहे हैं। हाँ 11 बजे चले थे ना आयुष, 11 बजे चले थे और 1 घंटे में इतनी भीड़ में आ गए, जबकि मतलब ठीक ठाक स्पीड बाय थे, भगाई भी नहीं हमने, और जाम बहुत मिला था, वरना और टाइम लगता है। बहुत बार तो आयुष आता सुबह सुबह, कितने टाइम में लगा देता तू गाड़ी, 1 घंटे कम भी लगा देता थोड़ा, जाम ही नहीं मिलता। सुबह सुबह तो और कम टाइम लगता है, तो फिर भी इतना जाम है। चलो चलते हैं मुस्कान मोटर्स अभिषेक भैया के पास, वहाँ चल के देखते हैं क्या सब कुछ निकलता है, लेट्स गो। मुझे इस ऑटो वाले की बहुत बात सही लगी, इसने अपना पीछे पुलिस PCR नंबर भी लिख रखा है, अभी चला गया पीछे वो, और वो मैंने हेल्पलाइन नंबर भी लिख रखा है, तो भाई अगर कोई देख रहा तो वो भी लिख सकता है, बहुत अच्छी चीज़ रहती है, अगर कोई परेशानी में तो उसको हेल्प मिल जाती है। इस तो हो चुकी है हमारी, अभी बताते हैं कैसा कुछ एक्सपीरियंस है। फिलहाल डीजल डलवाना है, हम पैसे भेजे हैं, अटक गए हैं ज़रा, जा रहे हैं वो दोबारा से, तो बताते हैं अभी आगे चल के जगह गाड़ी खड़ी करके क्या सब हुआ। तो भाई सर्विस तो हो गई, हमारा बैठ गया मोटा खर्चा, इसमें हो गया बहुत ज़्यादा काम, अब इसमें काम बहुत सारा हो गया, अभी अब दिखाता हूँ आपको इसमें क्या क्या हुआ है। ये देखो इतने का आ गया हमारा एस्टीमेट,
अगर यही काम हम कंपनी में कराते, कंपनी वाले ने अभी तक हमें कुछ बताया नहीं था, इसकी गोटी वोटी खराब थी, वो घिस गई थी, तो कंपनी वाले ने हमें कुछ बताया नहीं था। अभी ऐसा वो बताते तो भाई उनका तो एस्टीमेट बैठता लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का। अब देखो इसमें क्या क्या काम हुआ है, आप देख लो, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, ब्रेक पैड, डिस्क पैड, और ये दोनों, उसकी टायर की गोली, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का कुछ काम हुआ अभी, ये हैंड ब्रेक लीवर, कैंड्री लीवर्स, भाई पता नहीं इसमें दुनिया भर का काम हुआ है। इसका बैठा है 19,050 रुपये का बिल। अब इसका जो सर्विस हुई है वो हुई है 41,985 मान लो आप। तो अब इस हिसाब से अगर बिल देखा जाए तो भाई मेजर सर्विस है, तो हम सोच के भी चल लेते इतना तो पहले भी कि इतने तो लगेंगे लगेंगे इसमें, क्योंकि जो जो खराबी आ रही थी, अब ये इसमें बहुत सारी खराबी थी। अब जैसा मैं आपको बताऊं, स्टार्ट करूं इसके स्टेयरिंग से, तो इसका स्टेयरिंग ना कभी भी सीधा नहीं रहता था, जब मैं हमने इसमें 20 इंच के लिए डलवाए, कभी भी सीधा नहीं रहा। अब बिल्कुल स्टेयरिंग एकदम सीधा, एकदम आप मतलब चलाने में सही लग रहा है, भगाने में भी मतलब कॉन्फिडेंट नहीं आता था। स्टेयरिंग में ना बबलिंग हो रही थी, हिलती थी गाड़ी, ऐसे 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 वो करता था, बबल करता था। दूसरी बात करें, जब भी हम इसके ब्रेक मारते थे गाड़ी भगती थी राइट को अपने आप ही। मतलब बहुत बार तो ऐसा हुआ, जैसे यहाँ चल रहे हैं सामने डिवाइडर देख रहे हो आप, हम गाड़ी चला रहे हैं और थोड़ी मतलब सही स्पीड पर, बाई चांस हमने पैनिक ब्रेकिंग करी तो भाई गाड़ी डिवाइडर से इतनी इतनी सी बची, और लगते लगते ऐसा सीन रहा था हमारे बहुत बार। मतलब एक बार गाड़ी में लगते लगते रह गए थे, हम जा रहे थे एक जगह, तो ये हमें बहुत दिक्कत कर रही थी, हमें पता तो था इसमें गोटी वोटी की दिक्कत आ रही है। तो इतना तो भाई ये मान के चल लेते कि इतना सब कुछ आएगा इसमें खर्चा। तो फिलहाल तो यही है इस वीडियो में, और तो क्या हुआ, नॉर्मल सर्विस हुई इसकी, जो भी मतलब हुई आपने देख ही लिया होगा। और तो भाई इसमें ऐसा कुछ खास खास क्या, पूरी गाड़ी नई सी हो गई, बस इसकी वॉशिंग वॉशिंग रह रही है। टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, सुबह में निकलना गाड़ी लेके, तो इस वजह से हमने इसकी वॉशिंग कराई नहीं, वॉशिंग वगैरह रह गई। अभी इसे 20-25 दिन बाद इसका सस्पेंशन वस्पेंशन खुले है ना, तो 20-25 दिन बाद फिर लेके जानी है, वो दोबारा कसे जाएंगे। भैया बोल रहे थे कि कोई मतलब वो हो जाता है ना, बोल्ट वोल्ट ढीले रह जाते हैं, वो अपने जगह सेट होते हैं, तो वो जब खोलते हैं तो दोबारा उन्हें सेट होने टाइम लगता है, तो उस सबको करने के लिए 20-25 दिन बाद फिर लेके जानी गाड़ी। तो अपनी नैनीताल की ट्रिप होगी, उस पर फुल टेस्टिंग हो जाएगी पहाड़ों पर इसकी, तो वही है, वहाँ जाएंगे तो जब टेस्टिंग वगैरह करेंगे कैसी चलने में रहेगी, क्योंकि पहले जब पहाड़ों पर चलाई थी तो जो भी डिफरेंस होगा पहले अरब में वो आपको दिखा दूंगा मैं। और स्टेयरिंग कवर हमने इसमें चढ़वा ही लिया था, ये वाला हमें इतना मज़ा नहीं आया था, स्टेयरिंग कवर दूसरा चढ़वाएंगे जब लेके जाएंगे करोल बाग वगैरह। फिलहाल तो और कुछ इस वीडियो में बताने के लिए बचा नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, पेज आपके सामने आ रहा होगा। पर यह है कि इस बार इसमें खर्चा बहुत मोटा हो गया है आयुष, बहुत ज़्यादा खर्चा बहुत मान गई हमारी गाड़ी। वही वाली बात है, अब वही बात है, गाड़ी रखोगे तो हाथी पालोगे तो खर्चा तो होगा ही। चलो कोई नहीं, खर्चे वर्चे तो ज़िंदगी के भाई है ही, अब गाड़ी चलाएंगे तो खर्चे तो होंगे ही। बाकी हमने इसकी लाइट एडजस्ट कराई थी, आपको इसकी लाइट और दिखाता हूँ एक बार में, आप भी कहोगे कि कुछ पैसे लगा रखे हैं लाइट में। हमने मॉडिफिकेशन बताए थे ना, इतने की लाइट है, इतने की लाइट है, तो एक बार आपको लाइट दिखाता हूँ इसको। अभी आ गए थे ये यहाँ पे ना, बिल्कुल खाली है, तो एकदम बिल्कुल सही टेस्ट हो जाएगी। तो वाइड एंगल में थोड़ी क्वालिटी कम लग रही होगी, अब मतलब गाड़ी की ऐसी आवाज़ चेंज होगी ना, अगर मैं बात करूँ चलाने की, भाई नीचे से निकलने को तैयार है। पहले तो मतलब पिकअप ही ले रही है आयुष, पहले तो बिल्कुल पिकअप लेने से लोड से हम इसे खींच रहे हैं, अब ये ऐसे हो रही है हमसे नीचे से निकलने को तैयार है। पहले थी हाँ जैसे नई ली हो ना, बिल्कुल ऐसी होगी सर्विस के बाद, तो इतना मतलब नजर न लगे, इतनी मजा आ रहा गाड़ी चलाने में। अब ना ये लेफ्ट को भाग रही, ना राइट को भाग रही, ना इसका कोई मतलब कैसी भी दिक्कत है इसमें। एक बार आप लाइट देखो, उसके बाद बात करते हैं। हमने इसकी ऐसी एमबी लाइटिंग लगवा रखी है, ये देखो कितनी प्यारी लगती है रात में, ऐसे हमने इसमें पीछे लगवा रखी है, मतलब बैठे हुए अच्छे लगते हैं। चलो अब देखो भाई, बिल्कुल है सामने अंधेरा, थोड़ी बहुत लाइटिंग है जो इसकी आ रही है स्ट्रीट की। देखो ये तो है इसके सिर्फ फॉग लैंप, ये फॉग लैंप है सिर्फ, देख लो ये सिर्फ फॉग लैंप है, ठीक है। अब इसके वो ऑन करें सिंपल लाइट, तो ये इसकी लाइट देख लो, ये जीरो पे नहीं हो रही क्या? हाँ, अब ये इसकी हाई बीम हो गई, ओ सॉरी लो बीम हो गई। अब इसकी हाई बीम दिखाऊँ आपको, ये देखो अभी तो थोड़ी पेड़ भी डर रहे हैं, तो इतनी खिलके नहीं आ पा रही भाई लाइट नहीं, तो इसकी ऐसे इंप्रेस हो गया हूँ मैं, लाइटिंग ने तो जोरी काट रखे हैं बिल्कुल। अब गाड़ी की आवाज़ भी पूरी चेंज हो चुकी है चलाने में, बहुत एकदम देखो नीचे से निकलने को तैयार है बिल्कुल। और ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो गई है, वैसे तो इसमें ABS वगैरह आती हैं सब,
क्योंकि ब्रेक पैड भी नहीं डल, देखना कैसे निकलने को तैयार है। और 100 तो ऐसे पहुंच रही, पता नहीं चल रही, देख ना स्टेयरिंग में बबलिंग है ना कुछ है ना, ब्रेक दबा रहे तो ना राइट को भाग रही, एकदम स्टेबल हो गई गाड़ी बिल्कुल। अब ऐसा मजा आ रहा है, नजर न लगे गाड़ी चलाने में कि पूछो मत। और चलिए एक बार लाइट, बाकी तो और कुछ वीडियो है बताने के लिए रहा नहीं है फिलहाल, तो अब चलते हैं घर। खर्चा हमने आपको बता ही दिया 19,950 रुपये। और भाई आपको अगर किसी को सर्विस करानी है भाई जा सकते हैं, बिल्कुल रिकमेंडेड है भाई अभिषेक भैया की दुकान, बहुत ही अच्छी सर्विस है, चलाने में फुल मज़ा है गाड़ी की हर एक तरह से। वो तो टाइम नहीं हो चाहता वरना वॉशिंग वगैरह भी एलिमेंट वगैरह सब करा के देता है। अभी इसमें 2-3 चीज़ें रह रही हैं, एक तो रह रही है इसकी अलाइनमेंट, एक रह रही है इसकी वॉशिंग, और क्या है और दो चीज़ें, बस ये 2 चीज़ रह रही है, 2 चीज़ करानी है। ये देखो हमारा आई लव गुरुग्राम, ये सब चीजें रह रही हैं। अब ये अब आएंगे अलाइनमेंट तो यार आयुष कल परसों में करा लियो इसका, क्योंकि वो बार बार मुझे बोल लेते कि अलाइनमेंट जरूर करा लेना इसका। और एक बार सस्पेंशन और बता दूंगा आपको, फर्क पड़ा क्या? हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ा, बाकी तो स्कॉर्पियो हिलती है यार, इसमें कुछ अलॉय भी लगा रखे हमने तो बाकी सही है, गाड़ी बहुत प्यारी हो गई है, एक बार लॉगिन कर लेते हैं। तो चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई जल्दी से, आपको बहुत तगड़ी स्ट्रिप देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलो वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म, ओके बाय बाय टाटा।